हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आपको पता है कि हमने इससे पहले की वीडियो में अपलोड किया हुआ था आपका बीए फर्स्ट ईयर के। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले हमने वीडियो अपलोड किया हुआ था बीए थर्ड ईयर की सोशियोलॉजी के पेपर वन का चैप्टर नंबर से रिलेटेड टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इस पर ऑलरेडी हमारी एक वीडियो हो चुकी है, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो जाकर के आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं। अगर आपने देखा है तो आगे की वीडियो कंटिन्यू करना है, क्योंकि उसमें हमने 29 नंबर क्वेश्चन तक कवर किया हुआ था। तो आज हम 30 क्वेश्चन से लेकर के आगे जितने भी क्वेश्चन आपके इस चैप्टर में है पूरा आज हम इसमें कवर करवाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, यानी कि 29 के बाद 30 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। कह रहा है कि किसने कहा समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो कि सामाजिक क्रिया का निर्वचनात्मक बोध कराने का प्रयत्न करता है, जिससे कि इसकी गतिविधि तथा परिणामों की कारण सहित व्याख्या प्रस्तुत की जा सके। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए है आपका मैक्स वेबर, बी ऑप्शन है आपका कार्ल मार्क्स, सी ऑप्शन है आपका पार्सन्स एंड डी ऑप्शन है आपका दुर्खिम। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए मैक्स वेबर। अगला क्वेश्चन है आपका 31 नंबर का क्वेश्चन, कह रहा है आपका निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है आपका विज्ञानों का वर्गीकरण दुर्खिम के द्वारा, या ऐतिहासिक भौतिकवाद स्पेंसर के द्वारा, या ऐतिहासिकवाद मैनहान के द्वारा, या आदर्श प्रारूप कोंत के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऐतिहासिकवाद का जो सिद्धांत है वो मैनहान के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका 32 नंबर का क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा प्रत्ययवाद को विशेषीकृत नहीं करता है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए है आपका प्रत्यक्षवाद मानव चिंतन का प्रारंभ बिंदु है, बी ऑप्शन है आपका प्रत्यक्षवाद जगत की व्याख्या अनुभव के आधार पर करता है, सी ऑप्शन प्रत्यक्षवाद का लक्ष्य घटनाओं के नियमों की खोज करना है, या डी ऑप्शन है आपका प्रत्यक्षवाद वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करता है। तो इन चारों में आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रत्यक्षवाद मानव चिंतन का प्रारंभिक बिंदु है। अगला क्वेश्चन है आपका 33 नंबर का क्वेश्चन कि पश्चिमी यूरोपीय समाजों के अध्ययन के लिए ऐतिहासिक तुलनात्मक विधि का प्रयोग किसने किया है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए है आपका दुर्खिम ने, बी ऑप्शन है आपका वेबर ने, सी ऑप्शन है आपका मार्गन ने, डी ऑप्शन है आपका बेबलिन ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दुर्खिम ने। अगला क्वेश्चन है आपका 34 नंबर का क्वेश्चन, कह रहा है आपका कोंत के अनुसार विज्ञान के रूप में खगोल शास्त्र जिस एक पद्धति पर निर्भर करता है वो कौन सी पद्धति है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका तुलना, अवलोकन, या प्रयोग, या कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है आपका 35 नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित विज्ञानों में से किसे कोंत द्वारा प्रस्तावित विज्ञानों के वर्गीकरण में छठवां स्थान प्राप्त है। तो आपने अगर हमारी पिछली वीडियो देखी तो उसमें हमने बताया हुआ था कि आपका जो समाजशास्त्र है इसको कोंत ने सबसे अंतिम जगह पर रखा हुआ, यानी कि छठवें स्थान पर रखा हुआ है। जो विज्ञानों का संस्करण उन्होंने किया हुआ था 6 भागों में, इसमें छठवें स्थान पर रखा है। अगला क्वेश्चन है आपका 36 नंबर का क्वेश्चन कि कांटे का प्रत्यक्षवाद संबंधित है किस चीज से। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर वन है सामाजिक उपागम से, बी ऑप्शन है आपका आदर्शवादी उपागम से, सी ऑप्शन है आपका ऐतिहासिक उपागम से, या डी ऑप्शन है आपका वैज्ञानिक उपागम से। तो इन चारों में आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वैज्ञानिक उपागम से। कांटे का जो प्रत्यक्षवाद है वो वैज्ञानिक उपागम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 37 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपका कोंत ने समाजशास्त्र का विभाजन किया है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए है आपका नगरीय समाजशास्त्र और ग्रामीण समाजशास्त्र में, बी ऑप्शन है आपका सामान्य समाजशास्त्र और ऐतिहासिक समाजशास्त्र में, सी ऑप्शन है आपका सामाजिक संरचना शास्त्र और सामाजिक क्रियाशास्त्र में, या डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है आपका 38 नंबर का क्वेश्चन कि कोंत द्वारा किए गए विज्ञानों की श्रेणी व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन किसका स्थान सबसे पहले है। तो आपका ऑप्शन हो जाए है गणित का, समाजशास्त्र का, खगोल शास्त्र का, भूगोल का। तो सबसे पहला किसका स्थान है, इन्होंने कहा था गणित जो है वो सबसे पहला स्थान है, यहीं से विज्ञानों की शुरुआत होती है, क्योंकि गणित किसी पर अपने लिए निर्भर नहीं होता है। और जो जितने भी विज्ञान आप चाहे समाजशास्त्र देख लो, खगोल शास्त्र देख लो, भूगोल देख लो, ये कहीं ना कहीं अपने फैक्ट्स के लिए गणित पर निर्भर करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 39 नंबर का क्वेश्चन, कह रहा है आपका निम्नलिखित विज्ञानों में से किसे कौन द्वारा प्रस्तावित विज्ञानों के वर्गीकरण में पांचवां स्थान दिया गया है। अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी तो एक बार जाकर के जरूर देखना, जिसमें हमने इसकी क्लास को डिटेल डिस्कस किया हुआ है। क्योंकि जब आप वो वीडियो देखोगे ना, आपको एक एक क्वेश्चन जितने भी दिख रहे हैं ना, आपको लगेगा यार ये तो हलवा है, मैं इस क्वेश्चन को तुरंत कर दूंगा, आंख बंद करके आप वो क्वेश्चन कर पाओगे, इतना इजी ये सारे क्वेश्चंस हैं। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी एक बार जाकर के देखो, आपको सारी चीजें डिटेल में समझ में आएंगी। तो जो कोंत ने वर्गीकरण किया उसमें उन्होंने किस किस चीजों को रखा हुआ है, तो इसमें सबसे पहले आएगा आपका जो मतलब इसमें ऑप्शंस आपके हैं, खगोल शास्त्र को, जीव शास्त्र को, गणित को, भौतिक विज्ञान को। किसको जो है इन्होंने पांचवें स्थान पर रखा हुआ है, तो वो है आपका जीव शास्त्र या जीव विज्ञान को उन्होंने पांचवें स्थान पर रखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपका कोंत के अनुसार एक प्रत्यक्षात्मक विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली सबसे अच्छी विधि कौन सी है।
आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है आपका तुलना, बी है आपका अवलोकन, सी है प्रयोग, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है आपका, चिंतन की तीन अवस्थाओं का नियम किसने दिया है? आपके ऑप्शन है दुर्खीम ने, कोंत ने, स्पेंसर ने, या किसी ने नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, अगस्त कोंत ने। अगला क्वेश्चन है आपका 42 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्षवादी सिद्धांत के सबसे निकट है? आपके ऑप्शन है बेबर, दुर्खीम, स्पेंसर, या कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, दुर्खीम। अगला क्वेश्चन है आपका 43 नंबर का क्वेश्चन, कह रहा है अगस्त कोंत के उद्विकास का क्रम है, तो अगस्त कोंत के उद्विकास का क्रम क्या है? आपके ऑप्शन है जादू, धर्म, विज्ञान, या बी ऑप्शन है आपका आत्मवाद, बहुदेववाद, एकेश्वरवाद, या धार्मिक, तात्विक और प्रत्यक्षवाद, या जंगलीपन, वर्वरता और सभ्यता। तो इन चारों में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, धार्मिक, तात्विक और प्रत्यक्षवाद। ये क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका 44 नंबर का क्वेश्चन, विज्ञानों का स्थिरीकरण आधारित है, आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है आपका घटती हुई सामान्यता के नियम पर, या बी ऑप्शन बढ़ती हुई जटिलता के नियम पर, या सी ऑप्शन है ए बी और दोनों के आधार पर, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों के आधार पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है 45 नंबर का क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है? निम्नलिखित विज्ञानों में से कौन सा कोंत के अनुसार एक दूसरे के सापेक्ष सबसे कम सामान्य और सबसे अधिक जटिल है? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है आपका रसायन विज्ञान, बी है समाजशास्त्र, सी है आपका खगोलशास्त्र, डी है आपका जीव विज्ञान। तो ये समाजशास्त्र है, ये सबसे कम सामान्य है और सबसे ज़्यादा जटिल है, इसी आधार पर अगस्त कांटे ने इसको सबसे आखिरी स्थान पर, 6वें नंबर पर रखा हुआ है। तो ये सभी विज्ञानों पर, जितने भी आपके चाहे खगोलशास्त्र हो, रसायन शास्त्र हो, गणित हो, जीव विज्ञान हो, ये सभी पर आधारित है समाजशास्त्र। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 46 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपका, निम्नलिखित विद्वानों में से कौन सा कोंत के अनुसार मात्र प्रायोगिक पद्धति पर निर्भर करता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है आपका जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, या समाजशास्त्र। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रसायन विज्ञान। अगला क्वेश्चन है आपका 47 नंबर का क्वेश्चन, आपके सामने दिख रहा है, क्या कह रहा है आपका? प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों के बीच अंतर अन्वेषण के संज्ञात्मक आशयों उत्पन्न होते हैं, या किसका विचार है? आपके ऑप्शन है अगस्त कांटे का, इमाइल दुर्खीम का, मैक्स वेबर का, या कार्ल मानहीन का। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अगस्त कांटे का ये विचार है। अगला क्वेश्चन है आपका, औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? आपके ऑप्शन है फ्रांस, इंग्लैंड से, फ्रांस से, जर्मनी से, या अमेरिका से। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, फ्रांस से। अगला क्वेश्चन है आपका 49 नंबर का क्वेश्चन, कह रहा है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एक विज्ञान की विशेषता नहीं है? आपके ऑप्शन है प्रयोगशाला, मूल्यांकन, सामान्यकरण, या स्थानीयता। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जो ये स्थानीयता है, यह विज्ञान की विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका 50 नंबर का क्वेश्चन, कह रहा है आपका, प्रत्यक्षवाद की अवधारणा प्रस्तुत की थी किसने किया था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है आपका कार्ल मार्क्स, बी ऑप्शन है सी एच कूले, सी है अगस्त कांटे, या डी ऑप्शन है आपका इमाइल दुर्खीम। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अगस्त कांटे ने प्रत्यक्षवाद की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन है आपका 51 नंबर का क्वेश्चन, कि समाज के अध्ययन में अगस्त कांटे ने किस परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया है? आपके ऑप्शन है संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, संघर्ष परिप्रेक्ष्य, या प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य का उल्लेख किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपका 52 नंबर का क्वेश्चन, कह रहा है आपका, कांटे ने समाज विज्ञान को कौन सा नाम दिया है जब तक उन्होंने सोशियोलॉजी शब्द की रचना नहीं किया था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सोशल डिमोलॉजी, बी ऑप्शन है आपका एंथ्रोपोलॉजी, सी ऑप्शन है आपका सोशल बायोलॉजी, या डी ऑप्शन है आपका सोशल फिजिक्स। तो अगस्त कांटे ने जब तक इसको सोशियोलॉजी नाम नहीं दे दिया था, तब तक इस सब्जेक्ट का नाम क्या था? वो था सोशल फिजिक्स। अगला क्वेश्चन है आपका 53 नंबर का क्वेश्चन, मानवता का धर्म शब्द के साथ किसके नाम जुड़ा हुआ है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है आपका मैक्स वेबर, बी ऑप्शन है आपका दुर्खीम, सी ऑप्शन है आपका कोंत, एंड डी ऑप्शन है आपका मैक्स मूलर। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इन चारों में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अगस्त कांटे। अगला क्वेश्चन है आपका 54 नंबर का क्वेश्चन, कह रहा है आपका, कोंत का प्रत्यक्षवाद सम्मिलित नहीं है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है आपका निरीक्षण नहीं सम्मिलित करता है, या तुलना नहीं सम्मिलित करता है, या परीक्षण, या अवबोध। तो कांत का जो कोंत का प्रत्यक्षवाद है वो अवबोध को जो है सम्मिलित नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है आपका 55 नंबर का क्वेश्चन, कह रहा है आपका, निम्नलिखित अवधारणाओं में से कौन सी कोंत से संबंधित नहीं है? आपके ऑप्शन है विज्ञानों का संस्तरण, या बी ऑप्शन है आपका सामाजिक स्थिति की शास्त्र और गतिशास्त्र, सी ऑप्शन है सामूहिक प्रतिनिधित्व, या डी ऑप्शन है तीन स्तरों का नियम। तो इन चारों में से केवल ये जो सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत है यही अगस्त कांटे से संबंधित नहीं है, बाकी तीनों के सिद्धांत जो है वो अगस्त कांटे से संबंधित है।
अगला क्वेश्चन आपके सामने जो दिख रहा है 56 नंबर का क्वेश्चन, क्या कह रहा है 56 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन है कामटे के तीन अस्त्रों में संबंधित नहीं है। आपके ऑप्शन है धार्मिक स्तर, तात्विक स्तर, सकारात्मक स्तर या पारिवारिक स्तर। तो इनमें जो आपका राइट आंसर है डी नंबर की पारिवारिक स्तर जो है वो कामटे के जो है तीन अस्त्रों के नियम से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका, किसने समाजशास्त्र को विज्ञानों की रानी कहा हुआ है, कामटे, दुर्खी, मार्क्स एंड वेबर। तो आपको पता ही है अगस्त कामटे ने जो समाजशास्त्र इसको विज्ञानों की रानी कहा हुआ था। ये क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ था। तो इस तरह से 57 नंबर के बाद ये आपका पेपर खत्म हो रहा है, मतलब आपका फर्स्ट पेपर का पहला चैप्टर खत्म हो रहा है। इससे रिलेटेड इतने क्वेश्चन थे, हमने सारे क्वेश्चन कवर कर लिए। आई होप ये वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करो। पहली बार चैनल पर आए प्लीज विजिट द चैनल। इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।